हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है और जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि टाइप्स पता है सबको कि तेरा मेन मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, बट दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जानते हैं, सिंपल जंगल, वन यानी कि जिसमें हमें कुछ नहीं करना। बाय नेचर में अपने आप कुछ चीज़ें, क्लाइमेट और टेम्परेचर और वहाँ के जो रेनफेल होती है उस वजह से जो भी पेड़ पौधे वहाँ पे उग जाते हैं वो सब होते हैं वहाँ के वन। फॉरेस्ट जंगल इसे क्या एग्जाम्पल है, उसको किसी ने उगाया नहीं है, अपने आप यानी कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तीन प्रकार के फॉरेस्ट हैं। नंबर वन इज रिजर्व, इसको हम आरक्षित भी कहते हैं। नंबर टू प्रोटेक्टेड, इसको हिंदी में संरक्षित और रक्षित दोनों कहते हैं। नंबर थर्ड पे है अनरिजर्व, इसको अनसॉर्टेड भी कहते हैं क्योंकि रिजर्व नहीं होता तो अनसॉर्टेड, या हिंदी में है अवर्गीकृत वन। अब पहले मैं आपको बताती हूँ रिजर्व, आरक्षित वन क्या है। इसके नाम से ही इसको पढ़ लीजिए आप लोग, रिजर्व। जैसे होते ना, हम कहते हैं कई बार कि यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा रिजर्व है, यानी कि जो अपने आप को बहुत औरों से हटके, मतलब बहुत प्राइवेसी, बहुत सीक्रेट कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सेम रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें ना तो बिल्कुल भी ह्यूमन को थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस करने का कोई राइट होता है, यानी कि वो वहाँ पर जाके कोई भी वुड या कुछ भी, इवन उनके कैटल्स वगैरह हैं, ना तो उनको वो वहाँ पे ग्रेजिंग चरा सकते हैं, ना ही वो वहाँ से कोई भी लकड़ी काट सकते हैं। ये टोटली और टोटली रन बाय आर गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन करती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी रन करती हैं जो स्टेट में आते हैं। तो इसमें आप चाह कर भी किसी से कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं ले सकते हैं, मतलब जो टोटली रिजर्व, टोटली आप ये कह लो बैन है आप लोगों के लिए, कि ना तो आप अपने कैटल्स को यहाँ पे चला सकते हैं, कुछ भी गाय भैंस वगैरह, और ना ही आप वहाँ से कोई लकड़ी या कोई हंटिंग भी आप वहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ के शिकार, ठीक है, ओके। और इसमें अगर आप जाते हैं तो इसके लिए कुछ पेनल्टीज भी होती है, वो स्टेट टू स्टेट वरी करती है। पेनल्टीज यानी कि कुछ हर्जाना आप लोगों को पे करना पड़ता है उसके लिए ना। तो इसमें हो गया आप लोगों का नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस ऑफ वुमन, एंड सेकंड वन इज नो ग्रेजिंग ऑफ कैपिटल, सॉरी कैट। और कौन रन करता है इसको, इसको रन करती है टोटली रन बाय गवर्नमेंट। सेकंड है प्रोटेक्टेड, संरक्षित या रक्षित। अब सुनो, रक्षित है, रक्षा होती है जैसे हम अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं, हम अपने आप की रक्षा करते हैं, ठीक है, सेम उसी के मीनिंग से है इसका। रक्षित या आप लोगों के प्रोटेक्टर, इनको भी ना गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, मतलब यहाँ पर भी बैन है ह्यूमन का इंटरफेरेंस और हंटिंग, एंड थर्ड वन इज ग्रेजिंग ऑफ कैटल, ठीक है, ग्रेजिंग बाय कैटल, सॉरी बैन, बट प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट, आप चाहें तो गवर्नमेंट से, चाहे स्टेट में है या नेशनल, आप परमिशन ले सकते हैं, और परमिशन लेके वी विल गेट द राइट टू विजिट इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और हम कुछ एरियाज में अपनी जो हमारे कैटल हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे चरा सकते हैं। तो ये आप इफ यू विल टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट और वेदर इट इज सेंट्रल, यू विल गेट द परमिशन एंड देयर इज नो पेनल्टी, नो फाइन, ओके। नाउ मींस इंटरफेरेंस अलाउड, पर हाँ हंटिंग नहीं कर सकते आप यहाँ पे, हंटिंग शिकार नहीं होगा क्योंकि जनरली वन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो इंटरफेरेंस बट बाय द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। और सेम है इसमें भी जो ग्रेजिंग है वो भी किससे हो जाएगी, कैटल का आना जाना, कैटल परमिट वो भी बाय द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ओके। थर्ड वन इज अनरिजर्व,
अनसॉर्टेड नाम में ही है, जिसको आपने रिजर्व नहीं कर रखा। अनरिजर्व मतलब एक होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, और मेरे एग्जांपल आप कभी नोटिस करना, खूब लाइव होते हैं जो आप लोगों को समझ आते हैं। हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन जो है वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे प्रोटेक्टेड, यानी कि रिजर्व है, ठीक है। बट उसके लिए हमने क्या करी है, परमिशन ली होती है, टिकट लिया होता है, तभी हमें राइट है कि हम वहाँ पे बैठ सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि हम ट्रेन की कुछ चीज़ों को उठा के अपने घर ले जा सकते हैं। तो ये है अनरिजर्व, जनरल डिब्बे होते हैं, कोई भी आओ भाई, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेम अनरिजर्व और अनसॉर्टेड और अवर्गीकृत फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं, इन दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट वी doesn't require to take permission by our government या किसी से, ठीक है। ये होते हैं हमारे अनरिजर्व। तो इनमें आप लोगों का मतलब हंटिंग भी होता है, हंटिंग पे आज भी हमारे ट्राइबल पीपल हंटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो हंटिंग है, चाहे फिर वहाँ पे कैटल्स की कुछ ग्रेजिंग है, या लोगों का रहना है, लकड़ी काटना है, ठीक है। क्योंकि गांव में आज भी क्या है, जनरली लोग कैसे खाना बना रहे हैं, वहाँ पे गैस नहीं है, तो वो लोग ईंधन लकड़ी लाते हैं, चूल्हे पे जलाते हैं। तो ये है आप लोगों का अनरिजर्व्ड और अवर्गीकृत, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तभी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मेन मोटिव होता है कि कुछ टॉपिक्स जो हटके हैं और जो इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, या बच्चों को थोड़ा जिसमें आए, जिसकी नॉलेज और हमें नहीं मिलती, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ये सब, तो बहुत मेहनत से बनाई जाती है ताकि आप लोगों के बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू।